I was in Lahore in December और पंजाबी प्रचार लोगों ने पहली बारी कॉन्फ्रेंस उठे किया यही गल् हो रही थी कि एक्चुअली वो जी अपनी माँ बोली हैगी चाहते हैं कि वो होनी चाहिए है पंजाब के जिते अमीन तुम गल की कि उत्थे लोगों को आती नहीं है पंजाबी गल ठीक है कि नहीं आती क्योंकि उन्होंने कभी मौका नहीं दिता ना पढ़ने का आई थिंक वो चाहते हैं कि स्कूलों के शुरू होंजाबी जो शुरू होगी तो फिर ही कुछ हो सकता ना कहाँ कि जो तीन मतलब कैदा भी हूँ काफ़ी लोग है जिस तरह मैं काफ़ी अच्छे वाकफ जाते हैं फैसलाबाद से लालपुर के काफ़ी एक्टिविस्ट है उ जे कैदा बना के वो डिस्ट्रीब्यूट भी कर लगे हुए हैं सारे मेरा ख्याल होना तो यही है कि डिस्ट्रीब्यूशन होगी कैदे की वो पढ़न गए सीखन गए तो फिर गांव कुछ हो सकता है तो ऐतकी आई थिंक वो चाहते कि सारे जो ऑर्गनाइजेशन है सारे इकट्ठे हो लाहौर के तो आई थिंक ऐसी मैनू लगा सीगा कि मोमेंटम काफ़ी आ पहला वगू नहीं सीगा काफ़ी लोग हम ना इकट्ठे हुए आ मोमेंटम हैगा आ कि लोग चाहते आ क्योंकि उन्होंने खुद को अपना एक दुख हैगा आ कि एक्चुअली वो जी पंजाबी एक सिर्फ माँ बोली नहीं आ पंजाबी दे नाल अपनी सारी जी इतिहास हैगी अपनी सारी हिस्टरी जी जुड़ी हुई आ जो तुम अपनी माँ बोली नहीं बोल सकते अपनी लिटरेचर नहीं समझ सकते बच्चों को सिखा नहीं सकते पंजाबी तो फिर जो सारी हिस्टरी हैगी उस बोली के नाल वो भी सारी गवाच जाती है सो काफ़ी लोग है जेडे बड़ी कोशिश अपने कर लगे हुए बट अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा जेडे लोग इंडिविजुअल लैवल पर कल ही अपने ना लगे हुए आ पंजाबी अदाबी बोर्ड भी मेरा ख्याल कोशिश तो करते हैं बट आई सपोज एक गवर्नमेंट ऑर्गनाइजेशन हैगा तो उन्होंने भी लिमिटेशन कंस्ट्रेंट्स है बट उस अलावा लोग काफ़ी लगे हुए हैं आई थिंक हम थोड़ी जी ऑर्गनाइजेशन भी शुरू हुई है जेडे है अलग अलग तरह के ऑर्गनाइजेशन उन्होंने थोड़ी जी कोऑर्डिनेशन भी चल रही है कि वो इकट्ठे होकर थोड़ा जहा कर मेरे ख्याल उनकी कोशिश थी कि ऐतकी कुछ 10,000 लोग इकट्ठे करना आई डोंट नो कितने एक लोग आए थे बट वो चाहते थे कि 10,000 लोग तक करना इकट्ठे कर लाहौर के बीच की है 10,000 लाहौर की आबादी यू नो कितनी ज़्यादा है ना 10,000 तो कुछ भी नहीं है बट आई थिंक यू नो गल यह कि अनफॉर्चुनेट जो बच्चे है वो ठीक आ कि भुले हुए उन्होंने पंजाबी नहीं आती घर के पंजाबी नहीं बोली जाती बट एक्चुअली जो वे लोग सारे आपस में पंजाबी बोलते हैं एक चीज़ होर सी कि मैं खुद न बहुत लगता है कि खास करके पाकिस्तान पंजाब के एक क्लास डिस्क्रिमिनेशन तो है ही है पंजाबी लैंग्वेज की बट एक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी है कि मुंडे एक्चुअली कैंपस के देखो मुंडे फिर भी बोल लेते हैं पंजाबी पर कुड़ियां नहीं बोलदियां ते कुड़ियां जो बोलदियां पंजाबी उन्होंने बड़ी शर्म आती है यू नो ये भी एक इशू हैगा आ कि एक्चुअली बिकॉज वो जुड़ी हुई है ना कि आज जी उर्दू लैंगुएज आ रिफाइंड लैंगुएज आ लिटरेट लैंगुएज आ जो तुम विआह करके अच्छे घर के जाना तो उर्दू के गल करो पंजाबी से क्यों बात गल करते हैं सो एक भी इशू हैगा आ कि कुड़िया के मुंडिया के भी बहुत फर्क आ क्योंकि मुंडे आम तौर पर एक्चुअली बोलते पंजाबी सॉरी इत्थे भी एक प्रॉब्लम है मावां नहीं बोलदियां प्यो जिहड़े बोलना मतलब वो बोलते भी ने वो इन्ना ज़्यादा इन सीरीयस नहीं लेंदे लेकिन मावां जिहड़ियां वो चाहुंदियां ने कि वो उर्दू ही बोलन बिल्कुल आई थिंक पर वो सारी गल कल्चर के नाल जुड़ी हुई है ना कि वो कुड़ियां ब्याहनियां भी आ उन्होंने रिश्ते भी कर ले ते तुसीं पढ़ी पढ़ाई लिखाई तो ठीक है बट एक्चुअली लैंग्वेज के नाल वो बहुत जुड़िया हुआ है ना सोशल स्टिग्मा सो अस एक ये भी है ना कि आपू जी अपनी अपनी बोली आ उन्होंने एक अहमियत देनी चाहिए है ना
ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੋ ਕਾਫੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਾਫੀ ਇਸ਼ੂਜ ਹੈਗੇ ਸਿਰਫ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਬਟ ਐਕਚੁਲੀ ਉਹ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੈਂਚ ਇੰਨੇ ਡੀਪਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕੈਦ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਈ ਸੀਗੀ ਆਈ ਵਾਸ ਹੋਪਫੁਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਫਿਊਚਰ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਆ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਅੱਜ ਨੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਸੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੋ ਲੈਟਸ ਸੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ